अस्सलामुअलैकुम ख्वातीन और हज़रात। तो जैसा कि हमारा देसी टॉक पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है, तो हमने जिस शख्सियत को पहले एपिसोड में दावत दी है, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से ताल्लुक रखती है और उनका इंडिया की स्टेट हरियाणा से ताल्लुक है। तो हम मिलवाते हैं आपको हमारी मेहमान रजोली से। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते सु। सबसे पहले सारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने मैंने शो पे इन्वाइट किया। तो सुनाइए कैसी है रजोली। मैं बढ़िया सु भाई साहब, आप कैसे हो। मैं भी ठीक रजोली। बताइए सफर कैसा गुजरा आपका। यो भाई साहब एकदम बढ़िया सफर गुजरा सु। जहाज में बहुत मजा आया भाई साहब, पूरा इंडिया पाकिस्तान देख दिया सु। तो कैसा लगा आपको पाकिस्तान रजोली। अपना अपना लागे से भाई साहब, बहुत इज्जत बहुत प्यार दिया सारे लोगों ने। जिले से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। यो भाई साहब ये क्या कह रहे सु। यो सो मेरा मरद देखे सु, वो की सोचे। सॉरी सॉरी रजोली, हमने तो बस वैसे ही आपकी तारीफ की है। कोई बात नहीं भाई साहब। भाई साहब थारा स्टूडियो बहुत ब्यूटीफुल सु। थैंक यू रजोली। यो भाई साहब थारा सोफा बहुत अनकंफर्टेबल लागे सु। रजोली ठीक से बैठिए, वीडियो लाइव है। अच्छा बताइए रजोजी, ठंडा लेंगी या गर्म। मैं काफी पीऊ सु। छोटू एक कॉफी ले आओ। रजोजी सियासत के बारे में क्या कहना चाहिए, सियासत का कोई शौक आपको। यो भाई साहब मन ने सियासत में कोई इंटरेस्ट ना सु। भाई साहब हमारे रंग में फर्क ना सु, हमारी बोली में फर्क ना सु, हमारी सोच में फर्क ना सु, तो फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का भाई साहब। ये बात रजोजी ने बिल्कुल बराबर कही है कि हमारे पड़ोसी मुल्क और हम में भाईचारा होना चाहिए। यो भाई साहब थोड़ा म्यूजिक म्यूजिक लगाओ, मैं बोर हो रही सु। अपने गांव की मैं फेमस छोरी सु भाई साहब, सारे सपना सपना कह के बुलावे। यो छोटे म्यूजिक लगा। तो भाई ये था देसी टॉक पॉडकास्ट का पहला एपिसोड, जिसमें हमने बुलाया था रजो जी को हरियाणा से। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में हमें सजेशन देना कि नेक्स्ट मेहमान हम किसको बुलाएं और कौन से कैरेक्टर को बुलाएं। तो अगर आपको शो अच्छा लगा हो तो जरा सारा प्यार देना, ताकि हमें ही पता लगे कि आपको शो अच्छा लग रहा है। कमेंट्स करना, लाइक करना और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।